सो वर्क डन पर कूलम चार्ज। अब जो कूलम चार्ज है वो आपके पास, कूलम भी एक बेस क्वांटिटी तो नहीं है लेकिन आईटी कूलम करेंगे ना सर, इसको एम्पेयर सेकेंड्स। है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये -3 हो जाएगा और साथ A-1। ठीक है, A-1। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, इसी को आप डिवाइड कर दें करंट से तो ये A-2 हो जाएगा बस। ठीक है, ये वो ठीक है सारे सर। लिखे हुए हैं ओवर हेयर एज वेल। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। देर आर 7 बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। द एसआई यूनिट्स फॉर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और ये सारे आपके पास यूनिट भी दिए हैं। होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन पहले भी बताया था कि दोनों साइड्स पे आपने बस प्रूफ करना होता है कि ये दोनों सेम साइड के है, बेस यूनिट्स इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। बिल्कुल वही चीज है। और हाँ, इसमें और तो कोई खास चीज नहीं, बहुत ये आता भी नहीं है, अब नहीं आता, बहुत रेयर है होमोजेनिटी वगैरह भी। मैग्नीट्यूड आपको बता दिया क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर्स का ऑलरेडी एवरीवन हैज एन आइडिया, डेसिमल प्लेसेस है इस चैप्टर में। एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कुछ आपकी बुक के अंदर जो है फिलहाल वो याद करने हैं, और बाकी एस्टिमेट्स एमसीक्यूज के लिहाज से दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे मास ऑफ 3 कैंस ऑफ पेप्सी 1 की पेप्सी हो टी गया, होती है, क्या पेप्सी चीज, 1 की जी की है। अच्छा नहीं, 3 कैन मिला के। हाँ, ठीक लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड ये आ चुका है एक दफा एमसीक्यूज में, रिएक्शन टाइम ये भी आ चुका है एमसीक्यूज में एक दफा, 3 कैन पेप्सी दे तो कभी नहीं आवे। और ठीक है, सर, बाकी मैंने उसके बात देखे थे इसके ह्यूमन बॉडी के साइकिल के। वो है बुक के अंदर दिया है, वो पूरी एक एस्टिमेट्स की लिस्ट है, वो भेजता हूँ, बस पड़ी है, बहुत लंबी है। वैसे तो कोई वो याद तो नहीं करेगा, वैसे एक रीडिंग ही बहुत है, बाकी तुक्के लग जाते हैं पेपर के, थोड़े से कॉमन जी सेंस के। सर, टेबल्स बनाने भी आते हैं ऑलरेडी, यू शुड नो के टाइम अगेंस्ट वी है, तो टाइम एक्स एक्सिस, फिर वी वाई एक्सिस, हाउ डू यू प्लॉट ग्राफ्स एंड ऑल। हाँ, ये जरूरी है, प्रीफिक्सेस फॉर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स वी कैन यूज स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस विद बेस यूनिट्स। द मेन प्रीफिक्सेस दैट यू नीड टू नो आर शोन इन द टेबल। ये आपके पास वो सारे प्रीफिक्सेस हैं, होपिंग क्या आप लोगों को ये सारे याद हो जाएंगे, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गिगा, टेरा, एक फेमटो भी होता है, एनी आइडिया फेमटो क्या है? फिफ्टीन से निकले, 10 to power -15 आपके पास क्या है, इट इज फेमटो। सिलेबस में है सर, नहीं, ऐसे ही बता रहा था, पीको है, पीको नहीं दिया हुआ यहाँ पे। हाँ, क्यों नहीं है, पीको है वो 10 to power -12 होता है, और टेरा का आपने ट्वेल्व बताना है 10 to power 12 होता है, कैपिटल टी। हाँ, यहाँ पीको मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ, खैर। ऑल्टरनेटिव राइटिंग मेथड, ये कन्वर्जन है, ये सब चीजें ना भी याद रखें। गैलेक्सी इज अबाउट 2.5 × 10 to power 6 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। द डायमीटर ऑफ दिस एटम इज 1 × 10 to power -10 मीटर। स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली। दो एग्जांपल्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं, मेजरिंग मास एंड मेजरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, और वेक्टर स्केलर की क्या होती हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो और वो एक होंगी। वेक्टर्स क्या होते हैं, दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर स्केलर है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मास है, इस बंदे का मास क्या है, आप ये तो नहीं बोलोगे कि इस बंदे का मास है नीचे की तरफ, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर फोर्स में बोलूं कि फोर्स है, इतनी फोर्स है, आप पूछोगे जब फोर्स है कहाँ लगी, किस तरफ लगी, कैसे लगी, बंदे को मारा कहाँ, मारा कैसे, मारा किस डायरेक्शन में मारा, तो वो आपके पास एक फोर्स होती है, एंड इट ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन। तो ये आपके पास लिस्ट दी हुई है स्केलर्स एंड वेक्टर्स को, जितने ये येलो वाले टेबल्स हैं सारे याद होने चाहिए हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू ऑलरेडी नो, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर्स होंगे उनको ऐड करते हैं ये नोट्स डिफरेंट आपने शेयर कर डायरेक्शन। दिए मैंने ना। हाँ, कर दिए सारे, कर दिए एक साथ, मैं सब लेक्चर्स भेजे थे। हाँ, भेजे हैं, जी सर, सही। डिफरेंट डायरेक्शन में जो भी होंगे उनको आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे। ये सारे हैं ड्राइंग मेथड, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम बताया हुआ सारा, बेसिक्स है, बेसिक्स है, ये भी कर लेंगे। पैरेललोग्राम सर, भी कोप्लेनर क्या वेक्टर वाला क्या है वो सीन? ये आ गया, चीज, यही सर कोप्लेनर वेक्टर्स का पूछ रहा था, वो आ गया। ओके, व्हेन 3 or more vectors नीड टू बी एडेड, द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई provided the vectors are all on the same plane, for example, coplanar. To subtract two vectors, reverse the direction
एंड चेंज द साइन ऑफ द वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड एड। अब यहाँ करते क्या है कि तीन वेक्टर्स आ गए आपके पास। पहले तो आप ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, हमें दो वेक्टर दिए होते हैं, पता है कि जो तीसरा होगा वो मिलकर ट्राइंगल ही बनाएगा। मसला यह है अब तीन वेक्टर्स आ गए, तीन वेक्टर्स का मतलब है कि ट्राइंगल तो अब नहीं बन सकता जो उनका रिजल्टेंट होगा। आपने सेम प्रिंसिपल अप्लाई करने होते हैं, बट यू हैव टू सी दो वेक्टर ऐसे होंगे एक प्लेन के होते होंगे, ठीक है। दो वेक्टर्स हमेशा जब हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल फाइंड दो को ऐसे होंगे जो कि एक प्लेन के होते होंगे। हम उन दो का पहले अलग से रिजल्टेंट निकालते हैं, उनको एज अ सिंगल वेक्टर लिखते हैं और फिर हम उसका ट्रायंगल बना लेते हैं। वो आगे क्वेश्चंस आएंगे यू विल गेट इट योरसेल्फ, क्लियर। सही है सर। ये बहुत रेयर है, पेपर में भी आते हैं, चैप्टर वन टू बहुत रेयर होता है, यूजली पेपर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होता है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट नॉट स्पीड देन द वेलोसिटी वेक्टर विल ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड। केस टू क्या होता है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होता है, वेक्टर भी चेंज, तो पूरी वेक्टर क्वांटिटी आपके पास चेंज होती है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर नहीं, ये वाला साथ छोड़ा, ये नहीं अब आता। रिजॉल्विंग वेक्टर्स कोई भी है, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। ये चैप्टर क्या पूरी नहीं आता? बेसिक्स है सारी फिजिक्स का। सो हाउ डू वी रिजॉल्व वेक्टर्स, तीन तरीके होते हैं, ठीक है। या तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, या कभी वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होता है साइन ए करके, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या होता है कॉज ए करके, या इसके अलावा अगर ये भी नहीं तो आप साइन कॉज और टैन भी यूज कर सकते हैं टू रिजॉल्व। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपके पास यूज होती है दैट यू ऑलरेडी नो, क्लियर। ये वो दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर फोर्स 60 न्यूटन थी, इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा 60 cos 40, वर्टिकल क्या हो जाएगा 60 sin 40। वेक्टर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग डायग्राम मेथड और द रिजॉल्व एंड रिकम्बाइन मेथड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर्स कैन बी एडेड अरिथमेटिकली एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर एडेड बाय ग्राफिकल मींस यूजिंग द पैरेलल और ट्रायंगल लॉ। वेक्टर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म यूजिंग डायग्राम मेथड और द रिजॉल्व एंड रिकम्बाइन मेथड। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1।